सर्वे नहीं किया है, जो प्राइमरी तक स्कूल में जेवे नहीं किया है, उसमें बेरोजगारी की संख्या 10%। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरे दोस्त, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं वर्कआउट ना करके एक अलग तरह का चर्चा करते हैं, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि हमारा जो है ना मोदी जी के प्रति पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया है। अब ये हुआ कैसे? कल जो है हम एक वीडियो देख रहे थे, ध्रुव राठी का एक यूट्यूबर है जो मोदी जी का पूरा एकदम पर्दाफाश कर दिया था, एकदम पूरा जो है ना पूरा हिल गया था दुनिया एकदम। इतना खतरनाक वीडियो है, 24 मिनट का लेंथ है उस वीडियो की लंबाई है। उसको देखने के बाद जो है ना मोदी जी को जो देखिएगा उसका नजरिया आपका बदल जाएगा। हम लोग जो देख रहे हैं ना वो अपना मर्जी से नहीं देख रहे हैं, बल्कि मोदी जी जो हमको दिखा रहे हैं हम वही देख पा रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सारा राज है, राजतंत्र है, तानाशाही है। इस वीडियो में जिस प्रकार से बोला है, इस वीडियो देखने के बाद, कौन सा? ध्रुव राठी ब्लॉग का एक वीडियो है, ध्रुव राठी के नाम से दीजिएगा तो वहां पर आपको थंबनेल में दिख जाएगा, डिक्टेटर कह के नाम रहेगा, उसमें मोदी जी का भी फिगर है, ध्रुव राठी का भी है। 24 मिनट की लंबाई है, आप यदि उस वीडियो को देखिएगा तो आपका भी मोदी जी के प्रति सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। अब ये होता कैसे है तो उस वीडियो में हम थोड़ा सा बतला देते हैं कि वह वीडियो में है क्या। उस वीडियो में जैसे कि बतलाया गया, जैसे केजरीवाल जी हैं, है ना, उनको चुनाव के टाइम में ही परेशान करना, ये मोदी जी का एक रणनीति है कि चुनाव के टाइम में ये लोग को जो है ना पर्दाफाश करेंगे, जिससे जनता जगे रहे चुनाव तक और उस व्यक्ति को पसंद ना करे और उसका सारा मतदान हमारे बीजेपी पार्टी को ही प्राप्त हो। तो उसी से संबंधित उसमें चर्चा किया गया है और मोदी जी किस प्रकार विपक्षियों को दबाते हैं उसी के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे कि कांग्रेस को उस वीडियो में बताया 15 करोड़ रुपया का जुर्माना देना पड़ा, मतलब जुर्माना ठोक दिया। फिर और भी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको भी 11 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया। और केजरीवाल जो है दिल्ली के CM मुख्यमंत्री, उनको किस प्रकार से ED यानी इनकम टैक्स ऑफिसर में उनको उलझा कर रखा हुआ है, इस सब के बारे में बताया गया है। जहाँ तक सुनते हैं उस वीडियो में बताया गया कि कांग्रेस जो है अपना जो प्रचार करना चाह रहा है, यानी अपना पार्टी का, उसके लिए उसको एड प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े या अखबार या न्यूज चैनल भी ना बोल रहा है। तो उनका यही कहना है कि भारत का जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र तानाशाही में बदलता दिख रहा है। और उसी में ध्रुव राठी ने बड़ी ही सरल माध्यम से उस वीडियो में बताया है, जिसको देखने के बाद आपका भी नजरिया ना कुछ चेंज हो जाएगा। आप बोलिएगा कि हम उसका बात क्यों माने, तो बात क्यों मानिएगा और क्यों नहीं, इसका तो फैसला आप वीडियो में जाके ही देख लीजिएगा। क्योंकि यदि वो आदमी कुछ भी बोल रहा है तो एक भी वह अपना मन से नहीं बोला है, वो जितना भी अपना कथन दे रहा है उसमें आपको बगल में हेडिंग के तौर पर या तो किसी अखबार का स्लिप दिखाया जाता है, या फिर कोई भी राजनीतिक में जो सक्रिय रूप से व्यक्ति हैं उनका कथन दिखलाया जाता है। यानी वह खुद से ही, यानी स्वयं से बात बना के नहीं बोल रहा है, आपके पास में तथ्य और सबूत के साथ वह जितना भी बात बोल रहा है रख रहा है, जिसको देखने के बाद आपका भी ब्रेन वॉश हो जाएगा, यानी आपका भी मोदी जी को देखने की नजरिया बदल जाएगी। तो हम इस वीडियो में आने का यही उपलक्ष्य था कि आप भी जाकर उस वीडियो को देखें और समझें। ऐसे तो मोदी जी ने जब से सरकार बनाए हैं तब से वैकेंसी अनाक बराबर हो गया है, और ग्रेजुएशन किए हुए लड़का या लड़की 40% ऐसा है जो ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगार है। लेकिन कुछ व्यक्ति वैसा है जो पढ़वे नहीं किया है, जो प्राइमरी तक स्कूल में जेवे नहीं किया है, उसमें बेरोजगारी की संख्या 10% है। यानी समझ सकते हैं जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वह 90% आदमी खुशी खुशहाल जीवन यापन कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा हुआ लिखा हुआ है ग्रेजुएशन करके, उसमें 40% व्यक्ति कान रहा है, रो रहा है, क्योंकि उसका उम्र भी चला गया, उसका समय भी चला गया, जिस फील्ड में उसने अपना सारा जिंदगी दिया उस फील्ड से उसको 1 रुपया का आमदनी नहीं हो रहा है। तो कहने का उपलक्ष्य यही है, इसमें प्रश्न बनता है कि क्या करें, हम पढ़ें या तो नहीं पढ़ें।
क्योंकि जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा था उसमें मात्र 10% की बेरोजगारी देखी गई है और 90% व्यक्ति को रोजगार मिला है। किंतु जो व्यक्ति हमरे और आपके जैसा जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसमें 40% व्यक्ति ऐसा है जो बेरोजगार है और 60% व्यक्ति जो है रोजगार में है। तो आप ही बता सकते हैं कि हम लोग को या हमारे आने वाले पीढ़ी को पढ़ाइएगा या नहीं पढ़ाइएगा। यह सवाल आपके उपलक्ष में छोड़ते हैं। ज़्यादा बोलने के बाद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथ बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस ब्लॉग में यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।